लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब। ऋषि अत्रि की चेतना लौटा दें। हमारी अर्चना स्वीकार करें माते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी ही प्रेरणा से तुमने अत्रि की रक्षा की है। सत्य है माँ, ये सब आप ही की प्रेरणा है। आश्चर्य है, मैं यहाँ कैसे आया? प्रणाम महर्षि। प्रणाम आदित्य कुमारो, मैं यहाँ कैसे आया? गुरुदेव, आप तपस्या में चेतनाहीन हो चुके थे। दुष्ट दैत आपको यहाँ उठाकर ले आए, वो आपको जला डालना चाहते थे। इन आदित्य कुमारों ने आपकी रक्षा की। रक्षा हमने नहीं, रक्षा तो माँ गायत्री ने की है। हम तो निमित्त मात्र हैं। आइए गुरुदेव। आइए महर्षि। आइए गुरुदेव। आइए। देवी, मेरा जीवन इन दो सूर्य कुमारों का उधार है। महर्षि, आपका जीवन तो अंधकार में भटक रहे प्राणियों के लिए प्रकाश का स्तंभ है। ओम पति परमेश्वराय नमः। स्वामी, ज्ञात हुआ कि कोई दुष्ट दैत्य आपके हत्या के उद्देश्य से आपको उठाकर ले गए। सत्य ही सुना है देवी, किंतु मां पराशक्ति ने तत्काल ही मेरी सुरक्षा हेतु इन दो दूतों को भेज दिया। माँ पराशक्ति ने हमारे अकारण आगमन को सकारण बना दिया। मेरे परमेश्वर का जीवन आपकी धरोहर बनकर मेरे पास रहेगा। देवी अनुसुईया के पास तो अनगिनत जीवन धरोहर है। इन दोनों आदित्य पुत्रों ने प्राणी मात्र की व्याधियों को हरने के लिए ही जन्म लिया है। धन्य है दोनों अश्विनी कुमार। देवी, महर्षि, अब हमें कल्याण मार्ग पर जाने के लिए अनुमति प्रदान करें और साथ ही हमें अपना हार्दिक आशीर्वाद भी दें। चिरंजीवी भव। देवी, तपोतलिनता काल में मां पराशक्ति ब्रह्म के कुछ ऐसे रहस्यों को उद्धृत करने वाली थीं, जिसे जानकर मैं संपन्न हो जाता, किंतु मेरी हत्या अभिलाषी दैत्यों ने सब पर पानी फेर दिया। मेरे परमेश्वर के संकेत क्या है? देवी, मैं पुनः तपस्या में लीन होना चाहता हूँ। मैं आपको रोकूंगी नहीं, किंतु आप ऐसे स्थान पर तपस्या करेंगे जहाँ पे आप हमारी और शिष्यों की दृष्टि में रहेंगे। स्वीकार है, किंतु आपको भी विशेष ध्यान रखना होगा कि मेरी तपस्या में कभी कोई व्यवधान न आने पाए। नहीं आएगा। स्वामी, एक निवेदन है। कहें। आप कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ करके फिर तपस्या कीजिए। स्वीकार है। मैं आपके लिए गोरस लाती हूँ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।
परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। प्रणाम माते। कहो पुत्री, क्या कष्ट है तुम्हें? मुझे कोई कष्ट नहीं है माते। कई दिनों से मेरे पतिदेव को ज्वर आ रहा है। हर्षा, अपनी जड़ी बूटी वाली थैली ले आना। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार ने मुझे ज्वरांकुर नाम की जड़ी बूटी बताई है। बड़ी गुणकारी है। इसे भली भांति उबाल कर अपने पति को 2 बार पिला देना। ठंडे पानी में अथवा ठंडा होने पर ही पिलाना। पति परमेश्वर की कृपा रही तो तुम्हारे पति जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ये लो। तुम्हें क्या कष्ट है पुत्री? इन लोगों की बड़ी मनमानी हो रही है। मनमानी? कैसी मनमानी? माते, मैं स्नान करके आ रही थी कि इस ढीठ ने मुझे भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट कर दिया? कैसे? मैं बताती हूँ माते। मैं पानी लेने जा रही थी और ये देवी जी स्नान करके आ रही थी। अधिक हवा के कारण इनका आंचल मेरे आंचल से आकर टकरा गया। बस क्या था, इन्होंने तो गालियों की बौछार आरंभ कर दी। अब आप ही बताइए माते, इसमें मेरा क्या दोष था? तुम्हारा कोई दोष नहीं। क्या तुम्हारे आंचल में कोई मल मूत्र या वर्जित वस्तु थी, या कोई वर्जित वस्तु तुमने इनके ऊपर डाली? देवी, आपका आरोप निरर्थक है। आप ये क्या कह रही है माते? मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहिए। जब कोई दुर्गंध भरी वायु आपके शरीर को छूकर नासिका मार्ग से आपके पेट में जाती है, तब आप क्या करती है? कुछ नहीं। क्या अपने शरीर को धोती नहीं? क्या वो दुर्गंध भरी वायु अपने पेट से निकालने का प्रयत्न नहीं करती? मैं क्या, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। यहाँ मान्यता कुंठित हो जाती है, विवशता आड़े आती है। बहन, बाहर का पाखंडाचार छोड़ो और अपने मन के द्वार खोलो। ये द्वार तुम्हें उस मार्ग पे ले जाएगा जिसके अंतिम छोर पर परमात्मा रहता है। दौड़कर उसके पाँव पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। पति परमेश्वराय नमः। पति परमेश्वराय नमः। पति देवर्षि नारद को अश्विनी कुमारों का शत शत प्रणाम। अश्विनी कुमार, भविष्य मंगलमय हो। अवश्य होगा देवर्षि, आपका मंगलमय आशीर्वाद जो हमारे साथ है। देवर्षि, कहाँ से आ रहे हैं आप? माता अनसुईया के आश्रम से। वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना देवर्षि? नारायण नारायण। अश्विनी कुमारो, धन्य है वो ऋषि मुनि जो भक्ति की आशक्ति में लीन हो जाते हैं। किंतु नारायण नारायण, अत्रि मुनि लगता है शायद अब विलीन ही हो जाएंगे। देवर्षि, महर्षि अत्रि आपको कैसे प्रतीत हुए? उन्हें जीवन की चिंता नहीं, मृत्यु का भय नहीं, माता गायत्री की कृपा से परिपूर्ण लोगों के कल्याण की चिंता। शरीर दुर्बल हो गया है किंतु उत्साह युवकों सा, दया वृद्धों की। तात्पर्य, अत्रि मुनि का स्वास्थ्य चिंताजनक है? अन्न जल छोड़कर आत्मस्मृत हो जाने वालों को स्वास्थ्य और कैसा होगा अश्विनी कुमारो? देवर्षि, आपके चरणों के प्रताप से और माता गायत्री के आशीर्वाद से अत्रि मुनि का स्वास्थ्य पहले जैसा हो जाएगा। हो जाएगा ना? अवश्य होगा। हमारे उपचार के साथ साथ आपका आशीर्वाद भी सहायक होगा। आप धन्य अश्विनी कुमारो। देवर्षि, अब हमें आशीर्वाद दीजिए।
आयुष्मान भव। नारायण नारायण। हे माँ गायत्री, हमें यश दे। माँ माँ पराशक्ति, महर्षि को पहले जैसा स्वास्थ्य प्रदान करें। माँ प्रकट होके हमें सफलता का आश्वासन दे। जय माँ गायत्री। 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 वत्स अश्विनी कुमारो, तुम्हारा प्रयत्न सफल हुआ। माँ करते तो सब कुछ आप ही हैं। हाँ माँ, यश देती हैं आप हमें, यही तो आपकी मात्र ममता है। जय माँ गायत्री। जय माँ गायत्री। जय माँ गायत्री। जय माँ।